एट द पेज नंबर 48 वी हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. मेनली वी हैव द टू सोर्स ऑफ वाटर. फर्स्ट इज दैट सरफेस वाटर एंड सेकेंड इज दैट द वाटर विच इज प्रेजेंट बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ. सो सरफेस ऑफ वाटर में क्या है कि अबाउट 97% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर इज फाउंड इन द ओशन. इट इज सॉल्ट वाटर. ओनली 3% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर विच इज प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन द एयर एंड अंडर द ग्राउंड. सो ओशन वाटर जो है हम उसको देखते हैं. ओशन वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिजॉल्व गैसेज एंड सॉल्ट इन द प्योर वाटर. द मेजर डिजॉल्व गैसेज इन ओशन वाटर आर नाइट्रोजन. हमारे पास नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द मेजर डिजॉल्व सॉल्ट आर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट एक्सेट्रा. सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट इन द ओशन वाटर. यानी हमारे पास जो ओशन वाटर होता है, हमने उसमें बात की कि उसमें डिफरेंट किस्म के सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं और डिफरेंट किस्म की जो है वो गैसेज डिजॉल्व होती हैं. सो जो सोडियम क्लोराइड है हमारे पास वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है. सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी जो होती है सॉल्ट की वो सोडियम क्लोराइड की होती है. ओशन वाटर इज़ अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट किस्म की गैसेज भी मिक्स होती हैं, डिफरेंट सॉल्ट भी मिक्स होते हैं. सो हम ओशन वाटर को डायरेक्टली जो है वो फ्रेश वाटर की तरह यूज़ नहीं कर सकते फॉर ड्रिंकिंग पर्पज. सम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत रिमूव सॉल्ट फ्रॉम द ओशन वाटर टू मेक इट ड्रिंकेबल. वो उससे क्या किया जाता है, सम कंट्रीज़ में इसके अंदर से जो गैसेज होती हैं, डिफरेंट किस्म के जो सॉल्ट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, डिफरेंट प्रोसेस में से गुजारा जाता है और इन सॉल्ट्स को क्या किया जाता है, क्वान्टिटी को रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो ओशन वाटर है हम उसको ड्रिंकेबल बनाएँ और उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करें. सेकेंड, हमारे पास जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है. सरफेस वाटर में हमने ओशन वाटर की बात की थी और फ्रेश वाटर की बात की थी. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ फ्रोजन. द फ्रोजन वाटर इज़ फाउंड इन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स. अब ग्लेशियर्स क्या होते हैं, स्नो अक्यूमुलेट्स ईयर्स आफ्टर ईयर्स टू फॉर्म एन आइस शीट. क्या किया जाता है, पहाड़ों के ऊपर जो है वो बर्फबारी होती रहती है, स्नो फॉलिंग होती रहती है और पहाड़ों के ऊपर जो आइस शीट्स हैं वो ईयर बाई ईयर बनती रहती हैं. दिस आइस शीट्स आर कॉल्ड ग्लेशियर्स. फ्रेश वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन द स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. एट सम प्लेसेज वेयर ग्राउंड इज लो द वाटर स्टेट्स द पार्ट ऑफ द ईयर एंड मेक्स द ग्राउंड वेरी वेट. क्या किया जाता है कि समटाइम्स ऐसी होती है कि जगह जो होती है वो वेरी हम लोग कह सकते हैं कि लो होती है बहुत ज़्यादा. वहाँ पे क्या क्या होता है, पानी खड़ा रहता है और खड़ा रहने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन का हिस्सा बनता जाता है, ठीक है, और वहाँ से ज़मीन जो होती है ग्राउंड वेरी जो बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है. सच प्लेसेज आर कॉल्ड वेट लैंड्स, उनको कहते हैं. पुगरी, कोर एंड खरकी आर द फ्यू वेट लैंड इन द सिंध प्रोविंस. हमारे पास सिंध प्रोविंस के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो जिनकी जो ग्राउंड है लो है और वहाँ पे पानी जो है वो खड़ा रहने के बाद जो है वो ज़मीन का हिस्सा बन जाता है. द वाटर इन द वेट लैंड्स मूव्स डाउन इन टू द सॉयल एंड बिकम्स ग्राउंड वाटर. और ऐसा ऐसा वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर बन जाता है जिसको हम लोग एज अ फ्रेश वाटर जो है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. सेकेंड, हमारे पास जो सोर्स है वाटर का है वो वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ. यानी जो हमारे पास अर्थ सरफेस के बीनीथ जो वाटर होता है हम उसको कैसे यूज़ करते हैं. रिकॉल व्हाट हैपन टू रेन व्हेन इट फॉल्स. रेन वाटर कैन एवेपोरेट, रन ऑफ द सरफेस और सोक इन टू द ग्राउंड. द वाटर दैट सोक्स इन टू द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. यानी ऐसा पानी जो कि क्या करता है, ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है, जो हमारी ग्राउंड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और बाद में वो ज़मीन का नीचे चला जाता है, तो उस तरह का जो पानी होता है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं. द टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एन एक्वीफर इज़ द वाटर टेबल. हम लोग क्या करते हैं, जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है, ठीक है, टॉप लेवल सबसे ऊपर जो ज़मीन सरफेस के बिल्कुल नीचे नीचे वाटर पाया जाता है ना, उसको हम लोग उसको वाटर टेबल कहते हैं. द लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंज ड्यूरिंग द ईयर. और जो है वाटर टेबल का लेवल जो होता है वो चेंज होता रहता है. इट राइजेज व्हेन वाटर इज एडेड बाय रेन. जब हमारे पास मानसून का सीज़न होता है तो वाटर टेबल का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो होता है वो इंक्रीज बहुत जल्दी इंक्रीज होता रहता है. इट बिकम्स लोअर व्हेन देयर इज़ अ ड्रॉट. और जब बहुत ज़्यादा कहत साली होना शुरू हो जाती है, अब बारिशें बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती हैं, तो जो वाटर टेबल का लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाता है. पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस. और क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के कुएँ खोदे जाते हैं ताकि जो हमारे पास ग्राउंड वाटर होता है हम उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें. सो एट पेज नंबर 49 वी हैव द इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर. यानी हमने पहले सोर्सेज ऑफ वाटर की बात कर ली, अब हमारे पास जो वाटर है उसमें डिफरेंट किस्म की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं.
we need clean drinking water. Our water resources are becoming unfit due to the presence of impurities in water. Water may have germs, it may also have the salt, dirt or other chemicals in it. यानी हमारे water के अंदर जब dirt जो है वो include हो जाती है उसके अंदर डिफरेंट अनवांटेड केमिकल्स जो हैं वो शामिल हो जाते हैं. तो ये जो तमाम अनवांटेड जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर का हिस्सा बन जाते हैं उसको इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर कहते हैं. सो द एडिशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द वाटर इज कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन. यानी वाटर के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस का इंक्लूड हो जाना जो कि उसके लिए हार्मफुल हो, इट इज़ नोन एज द वाटर पोल्यूशन. सो हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस इन वाटर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. ऐसे तमाम केमिकल्स, ऐसे तमाम सब्सटेंस जो कि अनवांटेड हो और वो वाटर के अंदर शामिल हो जाएं, उन पोल्यूटेंट उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स कहते हैं. और इस प्रोसेस को पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कहते हैं. वी कैन क्लासीफाई वाटर पोल्यूटेंट्स इंटू द डिफरेंट ग्रुप्स. हम अब जो है वो जो सब्सटेंसेज हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करें बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिजीज कॉजिंग पोल्यूटेंट. सो पहले हम लोग बात उनकी बात करें बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह जो मौजूद होते हैं. सेकंड, हमारे पास डिफरेंट किस्म के एसिड, सॉल्ट और वाटर सोलबल पोल्यूटेंट. दीज पोल्यूटेंट्स कैन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एलजी इन द वाटर. द प्रेजेंस ऑफ एलजी कैन ब्लॉक द सनलाइट टू द रीच अदर प्लांट्स इन द वाटर. अब होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के एसिड और जो सॉल्ट हैं वो वाटर का हिस्सा बनना शुरू करें तो वाटर के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, ठीक है, और वो ग्रीन कलर की लेयर बनती है जो कि एलजी की लेयर होती है. जब वाटर की पूरी सरफेस को ग्रीन कलर की लेयर जो है वो कवर अप कर लेगी तो जो सन रेज होंगी वो नीचे तक नहीं जा पाएंगी और जो हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स जो होंगे और प्लांट्स होंगे उन तक ना सनलाइट जाएगी. सो उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और उनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा जो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा. सो प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड एंड डाई. वो मर भी सकते हैं. इस वजह से जो क्या करना चाहिए, हमें एसिड और डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स को वाटर से दूर रखना चाहिए ताकि वो जो एलजी की एक थिक लेयर बन जाती है पूरे पानी की सरफेस के ऊपर वो ना बने. एज अ रिजल्ट द फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो डाई. थर्ड, हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स की टाइप आती है वो हमारे पास ऑयल, प्लास्टिक यानी ये जो गार्बेज होता है हमारा, और पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो हार्मफुल टू ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर. डिफरेंट अगर जो है वो बहरी जहाज वगैरह से जो ऑयल जो होता है वो लीकेज हो जाती है उसकी, इसके अलावा जो हम लोग क्या करते हैं प्लास्टिक वगैरह के जो बैग्स हैं वो अपनी उसके अंदर ओशन के अंदर या स्ट्रीम्स के अंदर फेंक देते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारे एक्वेटिक जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उससे नुकसान होता है. उसके अलावा पेस्टिसाइड क्या होता है कि जब हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर और बारिश होती है और बारिश के बाद वो जो पेस्टिसाइड्स हैं वो प्लांट से रिमूव होकर स्ट्रीम्स का हिस्सा बन जाते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या होते हैं, वो नुकसानदेह होते हैं. सो नाउ वी हैव द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. पहले हमने पोल्यूटेंट्स की बात की, हम ये देख रहे हैं कि किस किस तरीके से जो वाटर है वो उसमें पोल्यूशन इंक्रीज हो सकती है. द थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर ह्यूमन वेस्ट. सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन वेस्ट है, देन इंडस्ट्रियल वेस्ट है और देन केमिकल रन ऑफ है. सबसे पहले हम लोग ह्यूमन वेस्ट की बात करते हैं. पीपल रिलीज सीवेज इनटू द ड्रेन्स विच कैरी इट टू द रिवर्स. क्या किया जाता है, लोग जो है वो अपना ड्रेन सिस्टम अच्छा नहीं रखते और जो हमारे पास जो सीवेज का सिस्टम होता है उसको डायरेक्टली दरियाओं के अंदर बहा दिया जाता है. उसको किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, किसी भी किस्म के केमिकल्स को रिमूव नहीं किया जाता. सीवेज फ्रॉम हाउसेस कॉन्टेन फैट, टॉयलेट वेस्ट, फूड पार्टिकल्स, डिटर्जेंट, हार्मफुल बैक्टीरिया एक्सेट्रा. यानी हमारे घरों से निकलने वाला जितना भी जो पानी होता है उसको बिना किसी ट्रीटमेंट के डायरेक्टली जो है वो रिवर्स के अंदर फेंक दिया जाता है. उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के फूड पार्टिकल्स होते हैं, डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया, उसके अलावा जो हमारे पास टॉयलेट वेस्ट होता है उसको भी बिना किसी ट्रीटमेंट के फेंक दिया जाता है. सो दीज ह्यूमन वेस्ट नॉट ओनली कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो डिस्ट्रॉय एक्वेटिक लाइफ. हम फिर जब पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना सिर्फ वो हमारे लिए नुकसानदेह है बल्कि हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ पे जो प्लांट है वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सेकेंड, हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यानी ये जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं इनसे जो निकलने वाला वेस्ट होता है उसको भी बिना ट्रीटमेंट के पानी में फेंक रिवर्स के अंदर फेंक दिया जाता है. इंडस्ट्रीज रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इनटू द रिवर्स एंड कैनाल्स. स्मॉग एंड टॉक्सिक गैसेस रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज आल्सो कॉज द रेन वाटर टू बिकम अ एसिड रेन. एसिड रेन किसे कहते हैं कि जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी हवा के अंदर जब केमिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब बारिश होती है तो वो जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो उस सारे के सारे केमिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और दोबारा वो रेनफॉल की शक्ल में नीचे आते हैं. इस तरह की जो बारिश जिसके अंदर जो
हमारे पास वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकल कंटेनिंग होते हैं, उस तरह की बारिश को एसिड रेन कहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। दीज केमिकल्स कैन किल फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स को वो जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। सो लास्ट हमारे पास जो सोर्स है वो फर्टिलाइजर्स है। फार्मर यूज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इन देयर क्रॉप्स। द रेन वाटर कैरीज दीज केमिकल टू वाटर रिसोर्सेज एंड कॉजेज वाटर पोल्यूशन। दीज पोल्यूटेड वाटर इज नॉट फिट फॉर द एक्वेटिक प्लांट्स एंड द एनिमल्स। क्या किया जाता है पेस्टिसाइड को, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के जो है पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, और साथ में हम लोग क्या करते हैं पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करते हैं। सो इसके नतीजे में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो इस तमाम जो पेस्टिसाइड और केमिकल्स होते हैं उनको बहा के अपने साथ ले जाता है, बाद में ये रिवर्स का हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा जो है वाटर वो बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन का शिकार होता जा रहा है। सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर एंड योर डायरी इज़ दैट यू हैव टू लर्न ऑल द क्विज आंसर्स, ऑल द शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर रिलेटेड टू दीज ऑल टॉपिक्स। थैंक यू।